बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक 3.12 डिस्कस करने लगे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करते हैं कि वो एक प्लेन में मूव करे या टू डायमेंशंस में मूव करे और उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई हो रही हो, ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, ठीक है। दो कंडीशंस मैंने आपको बताई, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आपने एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी है, आपने सिर्फ इनिशियल थ्रस्ट दिया है, उसके बाद उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही और इसके दौरान हमने अज्यूम किया हुआ है कि फ्रिक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, निग्लेक्ट कर दिया फ्रिक्शन, ठीक है। तो जब बॉल ऊपर जाएगी तो उसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही सिवाय ग्रेविटी के। फिर उसके अलावा अगर हम उसको किसी खास एंगल पर फेंक रहे हैं, बिल्कुल वर्टिकल नहीं फेंक रहे, किसी खास एंगल पर फेंक रहे हैं, तो वो एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के जो मोशंस हैं जिसमें दो डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है, इस तरह के मोशंस को हम प्रोजेक्टाइल मोशंस कहते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप बॉल को किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंकें तो वो हॉरिजॉन्टल तो मूव करेगी, साथ साथ डाउनवर्ड भी मूव करेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जो भी मोशन है जिसमें दो डायमेंशंस इन्वॉल्व है और वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है, उस तरह की मोशंस जो हैं वो सारी की सारी प्रोजेक्टाइल मोशंस कहलाती हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बेसिक्स जो हैं वो स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो फिगर 3.16 ए में दिखाई गई है आपको। मैंने एक बॉल जो है वो किसी हाइट से पॉइंट ए के ऊपर हॉरिजॉन्टली थ्रो की है विथ सम वेलोसिटी वी एक्स, ठीक है। अब जब मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो वो हॉरिजॉन्टल तो मूव करेगी, साथ साथ वो डाउनवर्ड भी जाएगी क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो पॉइंट ए के ऊपर जो कि आपका इनिशियल पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है जो कि आपने खुद प्रोवाइड की है वी एक्स। इस पॉइंट पर कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ए के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन भी हम इग्नोर कर चुके हैं, तो पॉइंट ए के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन अभी अगर हम अज्यूम कर लें और कहें कि किसी टाइम टी में इस ऑब्जेक्ट ने, इस बॉल ने एक्स डिस्टेंस कवर किया है, तो वो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय द फॉर्मूला एस इक्वल्स टू वी इनटू टी, तो एस की जगह एक्स आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वी की जगह वी एक्स आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स इक्वल्स टू वी एक्स इंटू टी, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इसी टाइम टी में जब उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर किया है, साथ साथ उसकी डाउनवर्ड मोशन भी है, ठीक है। तो जैसे ही हम पॉइंट ए से आगे बढ़ते हैं, एक चीज और याद रखिएगा कि चूंकि कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही सिवाय ग्रेविटी के, तो वी एक्स तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा वी एक्स के अलावा हमने कोई वर्टिकल वेलोसिटी भी प्रोवाइड नहीं की हुई, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो हमेशा जीरो आएगी। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इस पॉइंट पर चूंकि वी एक्स कॉन्स्टेंट है तो ए एक्स जीरो होगा। आपको याद होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है। तो इस वजह से एक्स डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी जीरो। चीजें हैं जो शायद यहाँ ना लिखी हो लेकिन वो आपके जहन में होनी चाहिए। जैसे मैं ए एक्स की आपको बात बता रही हूँ, ए एक्स विल बी जीरो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास वेलोसिटी वी एक्स है, एक्सेलरेशन ए एक्स जीरो होगा, ठीक है। और जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्स, वो वी एक्स इंटू टी होगा। तो ये हमने एक्स कंपोनेंट डिस्कस कर लिया।
अब हम आते हैं वर्टिकल मोशन की तरफ. हॉरिजॉन्टल मोशन हमने डिस्कस कर लिया, अब हम इसी मोशन का वर्टिकल पार्ट डिस्कस करते हैं. तो वर्टिकली सबसे पहले तो आप ये देखें कि वेलोसिटी नहीं है कोई, ठीक है. वी वाई अगर हम उसको नाम दें वर्टिकल वेलोसिटी का, तो वो जीरो हो जाएगी पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है. इसके अलावा पॉइंट ए के ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ए वाई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो जी हो जाएगी. और अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस को वाई कह रहे हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक्स कहा था, तो वर्टिकल को अगर वाई कह रहे हैं तो y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से. आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद हो, s equals to vit plus half at square, तो vi तो जीरो है, इनिशियल y वेलोसिटी जीरो है, तो वो वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, आपके पास सिर्फ रह जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर. अब चूंकि a जो है वो g के बराबर है और s जो है वो, अब हम चूंकि वर्टिकल मोशन है y ले रहे हैं, तो इस वजह से आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका एक्सप्रेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगा, y equals to half gt square, ठीक है. तो इस तरह से ये हमारे पास x कंपोनेंट आ गया मोशन का और ये हमारे पास y कंपोनेंट आ गया मोशन का, ठीक है. इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है वो सारी चीजों से मुराद है x कंपोनेंट मोशन और y कंपोनेंट की मोशन डिस्कस. छोटा सा पॉइंट पढ़ने लगी हूँ. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन ऑब्जेक्ट शुड बी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है. नेसेसरी नहीं है किसी वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया जाए. अ फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर, अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर एंड अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड ऑल प्रोजेक्टेड एट सम एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल आर कॉल्ड प्रोजेक्टाइल्स. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशंस की कुछ एग्जाम्पल दी हुई है. प्रोजेक्टाइल्स का वर्ड यूज हुआ है, तो जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है. प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जो डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी वो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है. तो ये जो है ये थी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन. अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ फीचर्स जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, और इसके लिए हम 3.16b फिगर में जो मोशन दी हुई है उसको अज्यूम करेंगे. बारी बारी इसको देखते हैं कि किस तरह की मोशन है और इससे हम क्या फीचर्स निकाल सकते हैं. तो फिगर में आपको नजर आ रहा है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल ही समझ लें या सिंपली प्रोजेक्टाइल कह लें. एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने किसी खास एंगल थीटा पर लॉन्च किया है, उसको हमने थ्रू करवाया है और उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी वी आई. पिछले एग्जांपल में आपको जो वी आई है वो पता चल रहा था कि वो सिंपली वी एक्स है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. लेकिन यहाँ पे अब इस वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा और वाई कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल या पूरी तरह से वर्टिकल नहीं है. किसी खास एंगल थीटा पर ये वेलोसिटी वी आई प्रोवाइड की हमने, ठीक है. तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम क्या करते हैं कि वेलोसिटीज को उसके एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उससे जो है बाकी चीजें डिस्कस करते हैं. तो अगर वेलोसिटी वी आई है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट होगा वी आई कॉस थीटा, ठीक है, और वाई कंपोनेंट जो है वो क्या होगा वी आई साइन थीटा, ठीक है. तो ये जो है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के एक्स और वाई कंपोनेंट हो गए, ठीक है. दूसरी चीज एक्सेलरेशन के बारे में मैं बताने लगी हूँ. अब हमें ये पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही होती है जो वर्टिकली एक्ट करती है, ठीक है. तो वर्टिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है. फ्रिक्शन भी हमने इग्नोर की हुई है. तो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, जबकि वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है. पहला पॉइंट हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स डिस्कस किए, एक्स और वाई कंपोनेंट. दूसरे पॉइंट में हमने एक्सेलरेशन डिस्कस किए. अब थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि
क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना ही कोई एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब है कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। जो इनिशियली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी थी वही फाइनली भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज वी एफ एक्स इक्वल्स टू वी आई एक्स। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई और वी आई का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो अभी हमने निकाला था, दैट वॉज वी आई कॉस थीटा। सो वी एफ एक्स और वी आई एक्स दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, वी आई कॉस थीटा। इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन 3.23। ठीक है, ये अब हमने एक्स कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी का वो स्टडी कर लिया। अब हम आते हैं वाई कंपोनेंट की तरफ। अब वाई कंपोनेंट के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग चूंकि फोर्स अप्लाई हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वाई वेलोसिटी जो है वो इनिशियली और फाइनली वो कॉन्स्टेंट नहीं होगी बल्कि वो चेंज हो रही होगी। ठीक है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। जो हमने वी एफ और वी आई वाली इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, क्या थी वो, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी आई प्लस ए टी। तो अब हम क्या करने लगे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए फर्स्ट पार्ट अभी ले रहे हैं हम। ठीक है, जिसमें प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव कर रहा है, इस फर्स्ट पार्ट में हम वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज देखने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या बन जाएंगी, वी एफ की जगह आ जाएगा वी एफ वाई इक्वल्स टू, वी आई की जगह आ जाएगा वी आई वाई, और वी आई वाई की वैल्यू हमने ऊपर देखी थी क्या थी, वी आई साइन थीटा। तो वी आई वाई की जगह हमने लगा दिया वी आई साइन थीटा प्लस ए टी आता है आगे। अब आपको याद होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो प्लस तब था जब डाउनवर्ड मोशन थी और माइनस तब था जब अपवर्ड मोशन थी, और चूंकि अभी हम अपवर्ड मोशन डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से ए की जगह आपके पास आएगा माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है y वेलोसिटीज के लिए, और इसको हमने इक्वेशन 3.24 लेबल कर दिया। तो अगर आप ओवरऑल वेलोसिटी देखना चाहें कि क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये इसके इस फॉर्मूले से निकल आएगी। और अगर आप एंगल देखना चाहें जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी बना रही है विद हॉरिजॉन्टल, तो वो टेंजेंट थीटा के फॉर्मूले से निकल आएगा वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स। ठीक है, सारे फॉर्मूलाज आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये कुछ बेसिक्स थी इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की तरफ जो हमने डिराइव करनी है। उस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में जो है वो इंक्लूड है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मीन्स द मैक्सिमम हाइट व्हिच अ प्रोजेक्टाइल कैन कवर। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो हमने निकाली है वह टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जितना भी उसने डिस्टेंस कवर करना है या जितनी भी उसकी मोशन है वो जितने टाइम में होगी उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। ठीक है, और थर्ड चीज जो हमने निकाली है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टली वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो ये तीनों चीजें हमने डेराइव करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, तो हम देख सेम एग्जाम्पल है और उसके वही फॉर्मूलाज हैं जो अभी हम डराइव कर चुके हैं। और सबसे पहले हम देखने लगे हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट जो प्रोजेक्टाइल करेगा वो निकालने लगे हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को निकालने के लिए हम इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे 2as equals to vf square minus vi square। अब इसमें चूंकि हम वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है वर्टिकल मोशन कंसिडर होगी। ठीक है, और सबसे पहले अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन करके जाएगा तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, तो अपवर्ड मोशन की वजह से ए इक्वल्स टू माइनस सी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी वो हमने लिखी थी वी आई साइन थीटा, और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी। फाइनल देखें, जब प्रोजेक्टाइल मूव करते हुए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो वो रुकता है थोड़ी देर, तो जब वो रुक जाएगा उस मैक्सिमम हाइट पर जाकर तो ऑब्वियसली वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी।
ठीक है ना, तो वी एफ वाई भी, वी एफ वाई जो है वो जीरो हो गई। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट चूंकि रेस्ट पर आता है थोड़ी देर के लिए, इस वजह से वहां पे वेलोसिटीज जीरो हो जाती हैं, वी एफ आई जीरो हो गई। अब इस सारी इंफॉर्मेशन को हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक और चीज यहाँ पे एस जो है, चूंकि हमने हाइट निकालनी है ना, डिस्टेंस की जगह हाइट निकालनी है, तो इसकी जगह हम एच लिख लेते हैं। एच इज द सिंबल विच रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो इसकी जगह हमने एच लिख लेना है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस टू जी एच इक्वल्स टू जीरो माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर था वेलोसिटी का। ठीक है, तो स्क्वायर खोला तो ये आ गया वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप एच सेपरेट करें, पहले तो आपको ये नजर आ रहा है जीरो, तो निकल जाएगा यहाँ से, दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे। एच को सॉल्व करना है आपने, टू जी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो एच का जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या बना, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। दिस इज लेबल्ड एज इक्वेशन 3.27। ठीक है, ये है वो मैक्सिमम हाइट जो एक प्रोजेक्टाइल कवर करेगा। और आप देख रहे हैं कि किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी जो आपने प्रोवाइड की थी या जिसके साथ प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था, और जिस एंगल पर लॉन्च किया था उस पर, बाकी तो जी तो कॉन्स्टेंट है ना। ठीक है, तो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेलोसिटी और द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, इन दो चीजों पर आपकी हाइट डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यानी कि जहां वो ग्राउंड को हिट करता है, उस दौरान, इस सारी मोशन के दौरान जितना टाइम कंज्यूम होता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट द सेम लेवल इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक और चीज हमने कहा, जहां से इसको लॉन्च किया है उसी लेवल पर जब ये ग्राउंड को हिट करेगी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वर्टिकली नो डिस्टेंस इज कवर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट हम वर्टिकली जो है वो कोई चीज कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो डिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जिस लेवल से शुरू किया था उसी लेवल पे जो कि प्रोजेक्टाइल वापस आया है, तो इस वजह से वापस उसी लेवल पर आने की वजह से डिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी तो वी आई रहेगी। ठीक है, और एंगल भी थीटा ही रहेगा। तो अब हम सारी चीज को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। तो वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास जीरो है टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो वी आई साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, इनिशियल कंपोनेंट उसका। और इसी तरह जो एक्सेलरेशन है ए वाई, दैट विल बी माइनस जी। तो इन सारी चीजों को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पुट किया, इसकी जगह जीरो आ गया, और इसके बाद जो है वी आई की जगह वी आई साइन थीटा आ गया, टी एज इट इज, हाफ एज इट इज, ए की जगह माइनस जी और टी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो इसके दौरान जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे और टी को सेपरेट करेंगे, तो टी का एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब ये जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं उसके बाद ये वापस ग्राउंड लेवल पर आ जाता है, उस वक्त का जो टाइम है वो इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन भी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है और साथ ही थीटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम निकालने लगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस व्हिच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए आपको पता है कि ये सारी मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रही है, इस वजह से एक्स कंपोनेंट जो है वो कैलकुलेट करने हैं, फाइंड करने हैं और यूज करने हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो
वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, वो हो जाएगा वी आई कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एस इक्वल्स टू वी इन टू टी, तो एस की जगह आर आ जाएगा, वी की जगह वी आई एक्स आ जाएगा, और टी टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम डिस्कस कर रहे हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो वी आई एक्स की जगह आ गया वी आई कॉस थीटा, इस टी की जगह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट वाला एक्सप्रेशन निकाला जो पीछे निकाला था, ये देखिए, ये इस एक्सप्रेशन को हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम था वो टाइम ऑफ फ्लाइट था ना, इस वजह से हमने ये निकाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा सेपरेट हो गया। अगर आपको मैथमेटिकल रिलेशंस याद हों ज्योमेट्री के, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। ठीक है, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या बन जाती है, आर इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन टू थीटा। तो ये जो है आपकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का एक्सप्रेशन है। अब छोटी सी एक बार डिस्कस की गई है कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, तो जाहिर है जब कहीं ज्योमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाती हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होती है जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वन होती है। तो जब भी साइन टू थीटा वन के बराबर होगा तो आपकी आर की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। साइन टू थीटा वन होने का मतलब है कि टू थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 और थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45। तो जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर लॉन्च करेंगे तो हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो 45 डिग्री जो है आप वो ये जहन में रखें, ये चीजें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं। 45 डिग्री के एंगल पर आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ये थोड़ी सी आपको एक डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है इस फिगर में, ये देखें, जब 30 पर है तो कोई डिस्टेंस कवर किया है, 60 पर है तो एक डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन जब 45 डिग्री पर लॉन्च किया है तो जो डिस्टेंस कवर हुआ है, रेंज जो कवर हुई है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई गई है इस फिगर में। अब एप्लीकेशन है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल की, एप्लीकेशन टू बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले देखें बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है। अ बैलिस्टिक फ्लाइट इज दैट इन व्हिच अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल पुश एंड इज देन अलाउड टू मूव फ्रीली ड्यू टू इनर्शिया एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बैलिस्टिक फ्लाइट जो है वो बेसिकली हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल ही होता है। ठीक है, एन अनपावर्ड, अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी हम डेफिनेशन कैसे करते हैं, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। अनपावर्ड मीन्स कि कोई फोर्स कोई पावर नहीं प्रोवाइड की जा रही है, और अनगाइडेड मीन्स कि उसको हमने कोई गाइड नहीं किया कि इस पॉइंट पर जाकर गिरो, वो फ्री है बिल्कुल, अपनी मर्जी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक मिसाइल एंड पाथ फॉलोड बाय इट इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो ये जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल होता है। अब बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन की समझ लें एक एप्लीकेशन में ही आता है। इसको हम पढ़ते हैं, एज डिस्कस्ड बिफोर अ बैलिस्टिक मिसाइल मूव्स इन अ वे दैट इज द रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अभी पढ़ी थी ना, तो टू डायमेंशनल मोशन थी एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में। ठीक है, a straight line inertial flight in the direction of the launch and a vertical gravity fall. तो straight line inertial flight मतलब वही जो हमने x component देखा था ना, x component में और gravity की वजह से vertical motion हुई थी, तो ये वही चीज discuss कर रहे हैं जैसे हमने project by law of inertia an object should sail straight off in the direction through a constant speed equal to its initial speed particularly in empty space but the downward force of gravity will alter straight path into a curved trajectory. Law of inertia ya jo first law of motion tha hamare paas uske according jo motion hai wo apni state change nahi karti jab tak ke force act na kare, external force act na kare. Wo ye keh raha hai ki agar humne kisi object ko straight throw kiya hai, straight line mein throw kiya hai, तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहनी चाहिए बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन चूंकि वहां पे
ग्रेविटी की फोर्स इन्वॉल्व हो गई है, एक एक्सटर्नल फोर्स आ गई है ग्रेविटी की, तो उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेट पाथ है वो चेंज हो जाता है और वो स्ट्रेट नहीं रहता बल्कि कर्व्ड हो जाता है, कर्व्ड ट्रैजेक्टरी बन जाती है, ठीक है। फॉर शॉर्ट रेंजेस एंड फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन द ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक बट द ड्रैगलेस बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉर स्फेरिकल अर्थ शुड एक्चुअली बी एलिप्टिकल। तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरीज की बात हो रही है, वैसे तो ये पैराबोलिक होते हैं, ठीक है। पैराबोलिक पाथ में आपको दिखाती हूँ, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है ना, ये पैराबोलिक होता है। इस तरह की जो पाथ है ना, यानी कि जीरो से मैक्सिमम तक, मैक्सिमम हाइट तक गए, मैक्सिमम हाइट से फिर जीरो तक आ गए उसी लेवल के, इस तरह के पाथ जो है उनको हम पैराबोलिक कहते हैं। लेकिन जब हम अर्थ जो है वो जो कि स्फेरिकल है, सॉरी स्फेरिकल कह रही हूँ, जो है हम स्फेरिकल अज्यूम करते हैं, बट इसका स्ट्रक्चर जो है वो एलिप्टिकल होता है, ठीक है। एट हाई स्पीड एंड फॉर लॉन्ग ट्रैजेक्टरीज, अच्छा ये तो शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल की बात हुई थी, बैलिस्टिक मिसाइल की बात हुई थी, अब लॉन्ग ट्रैजेक्टरीज में क्या है, एयर फ्रिक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसने एयर फ्रिक्शन इग्नोर की थी, ठीक है, लेकिन चूंकि फ्रिक्शन मौजूद होती है और नेग्लिजिबल भी नहीं होती, ठीक है, अच्छी खासी फ्रिक्शन मौजूद होती है हमारे एनवायरनमेंट में, एंड समटाइम्स द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज मोर देन ग्रेविटी, ठीक है। फ्रिक्शन की वैल्यू होती है हमारे एनवायरनमेंट में और ज्यादा होती है, इट अफेक्ट्स बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस, ठीक है। देयरफॉर इट इज कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक टू निग्लेक्ट द एरोडायनामिक फोर्सेस। तो अभी तक जो हमने आइडियल केसेस पढ़े हैं उसमें जो एक्सप्रेशंस निकाले हैं, आप समझ लें कि वो आइडियली तो काम करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में चूंकि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है, एरोडायनामिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो उनके ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। द शूटिंग ऑफ अ मिसाइल ऑन अ सिलेक्टेड डिस्टेंट स्पॉट इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ अ वारफेयर, इट अंडरगोस कॉम्प्लिकेटेड मोशंस ड्यू टू एयर फ्रिक्शन एंड विंड एटसेट्रा। तो जब भी हम कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं तो वो हमारे सोचे हुए स्पॉट पर, हमारे सोचे हुए टारगेट के ऊपर नहीं जाता, क्योंकि एयर फ्रिक्शन जो है वो उसके दोनों कंपोनेंट्स को इफेक्ट कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल को भी, तो उसकी मोशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। कंसिक्वेंटली द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन नॉट बी फाउंड बाय द ज्योमेट्री ऑफ द सिचुएशन एट द मोमेंट ऑफ द लॉन्चिंग। तो जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि फैक्टर्स इनिशियल वेलोसिटी और थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो अब एयर फ्रिक्शन की वजह से वो जो डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स थे थीटा और इनिशियल वेलोसिटी, वो अब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे हमें बहुत ज्यादा। एक्चुअल फ्लाइट्स ऑफ मिसाइल्स आर वर्कड आउट टू हाई डिग्रीज ऑफ प्रिसिजन एंड द रिजल्ट आर कंटेन्ड इन टैबुलर फॉर्म। तो अब हमने ये काम जो है कि कहाँ पर हमारा मिसाइल जाके लॉन्च होगा, कहाँ तक उसका टारगेट है, इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वाले मेथड अडॉप्ट किए हैं, जिससे हमारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो थोड़ी सी उसमें कमी आई है, ठीक है। द मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरीज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी डिस्कस्ड हियर। तो जो एक्यूरेट इक्वेशन है जो कि ट्रैजेक्टरी को डिफाइन करेगी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, क्योंकि उसमें अब एयर फ्रिक्शंस भी इन्वॉल्व होंगी। द बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट रेंजेस, फॉर लॉन्ग रेंजेस एंड ग्रेटर प्रिसीजन पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स आर यूज्ड। तो अभी हमने देखा था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो अनपावर्ड अनगाइडेड होते हैं ना, तो इस वजह से वो लॉन्ग रेंजेस के लिए यूज नहीं हो सकते, शॉर्ट रेंजेस के लिए ठीक है, ठीक है। लॉन्ग रेंजेस के लिए हमें पावर्ड मिसाइल्स यूज करने पड़ते हैं और रिमोट कंट्रोल होते हैं, यानी कि हमको हम प्रॉपरली गाइड करते हैं प्रॉपर उन मिसाइल्स को, ठीक है, तो वो लॉन्ग रेंजेस के लिए सही होते हैं। तो ये थी प्रोजेक्टाइल मोशन और बैलिस्टिक मिसाइल। थैंक यू सो मच।